नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक जैन है। मैं शैल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट थोरासिक ऑन्को सर्जन की तरह वर्क करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ईसोफेजियल कैंसर, जो कि हमारी आहार नली या फूड पाइप जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, उसके इनिशियल प्रेजेंटिंग सिम्टम्स या बहुत अर्ली स्टेज में उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला लक्षण ईसोफेजियल कैंसर या आहार नली के कैंसर का होता है, वो होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया यानी कि किसी भी पेशेंट को ये महसूस होना कि वो जो भी खा रहा है वो गले तक या छाती के लेवल तक आके नीचे नहीं उतर पा रहा है, उसे हम डिस्फेजिया बोलते हैं। डिस्फेजिया के चार ग्रेड्स होते हैं या कैटेगरीज होती हैं। ग्रेड वन, जिसमें पेशेंट को बहुत ही माइल्ड डिस्फेजिया या बहुत ही छोटे रूप में ये उसे फील होता है कि वो जो भी खा रहा है वो थोड़ा सा अटक रहा है छाती में और दर्द हो रहा है उसके बाद, पर वो नीचे चला जा रहा है। कैटेगरी फोर डिस्फेजिया उसे हम बोलते हैं, जिसमें अन्य नली का कैंसर थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है। जो अन्य नली हमारी आहार नली होती है उसको वो पूरा ब्लॉक कर देता है, तो उसके कारण ग्रेड फोर डिस्फेजिया होता है। उसमें पेशेंट को खाना खाने के बाद छाती में या गले के रीजन में वो खाना पूरी तरह से अटक जाता है, उसे पेशेंट को वापस वॉमिट करके निकालना पड़ता है। सो दैट इज़ ग्रेड फोर डिस्फेजिया। सो ईसोफेगस कैंसर में ये ग्रेड वन से ग्रेड फोर तक डिस्फेजिया हो सकते हैं। ग्रेड वन बहुत अर्ली स्टेज में होता है, ग्रेड फोर थोड़ा आगे के स्टेज में होता है। तो ये होता है ईसोफेगस कैंसर का सबसे कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम। नेक्स्ट सिम्टम अगर हम देखते हैं तो वो रिलेटेड है इस डिस्फेजिया से ही, क्योंकि पेशेंट अगर खाना नहीं खा पाएगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका वेट लॉस हो जाएगा। तो पेशेंट का अगर पिछले 3 से 6 महीने में 8 से 10 किलो वज़न कम हुआ है तो उसे हम सिग्निफिकेंट वेट लॉस कहते हैं, और वो ईसोफेगस कैंसर के कारण एक सिम्टम हो सकता है। थोड़े आगे के एडवांस स्टेजेस में जो लक्षण होते हैं, जैसे कि पेशेंट को खाने के बाद पेन होना, वो एक एडवांस्ड ईसोफेजियल कैंसर का लक्षण हो सकता है। खाने के बाद बैक पेन होना, वो भी एक सिम्टम हो सकता है। और स्टेज फोर, जिसमें ईसोफेगस कैंसर दूसरी जगह फैल गया है शरीर में, उसके सिम्टम्स में जनरलाइज्ड वीकनेस यानी पेशेंट को पूरे टाइम थकावट लगना, ये एक बीमारी के फैलने का लक्षण हो सकता है, जो कि स्टेज फोर होता है। पेशेंट्स को भूख नहीं लगती है तो उसके कारण पेशेंट को लिवर में बीमारी स्प्रेड हो सकती है, लेकिन इन सभी में ये सारे सिम्टम्स डिस्फेजिया के साथ एसोसिएटेड होंगे, तो ही हम उसे ईसोफेगस कैंसर का सिम्टम बोल सकते हैं। दूसरा एक सिम्टम हो सकता है कि पेशेंट को बहुत सीवियर हेडेक होता हो, तो वो तभी होगा जब ईसोफेगस कैंसर ब्रेन में फैल गया हो या मेटास्टाइज कर गया हो। तो ये 4-5 बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। इनमें से कुछ भी होता है तो आप तुरंत ही अपने पास में कैंसर सर्जन को या जनरल सर्जन को कंसल्ट करें और इसको एंडोस्कोपी के द्वारा इन्वेस्टिगेट करके अपना ईसोफेगस कैंसर रूल आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।